नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स वर्मा। तो दोस्तों देखिए, ये मल्टी कलर LED जो कंट्रोलर मिलता है हमें मार्केट में, तो इसे चाहे आप LED के साथ भी ले सकते हो और बिना LED के भी ले सकते हो। और दोस्तों डिस्क्रिप्शन में भी मैं इसका लिंक डाल दूंगा, वहां से जाके आप इसे परचेस कर सकते हैं। तो आपने आज तक जो देखा होगा दोस्तों, ये जो कंट्रोलर है, ये आपको जो रेड ग्रीन LED का जो स्ट्रिप आता है इस तरीके से, उसके साथ आपको ये मिलता है। लेकिन दोस्तों इसके अंदर हम आज क्या करेंगे, इसके अंदर जो है हम अलग अलग LED लगाएंगे, यानी कि रेड वाली वायर पे रेड LED और ब्लू वाली वायर पे ब्लू LED और ग्रीन वाली LED पे ग्रीन वायर पे ग्रीन LED लगाएंगे, ब्लू वाली LED पे ब्लू और रेड वाली पे रेड। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि जब हम रिमोट कंट्रोल से इसे चलाएंगे तो इसके अंदर यहाँ पर ये जितने कलर बनाए गए हैं उतने कलर इसके अंदर शो होते हैं नहीं होते, या सिर्फ रेड ग्रीन ब्लू LED ही जलेगी। क्योंकि आपने देखा होगा मल्टी कलर LED भी लेकिन उस तरीके से काम करती है कि हमें येलो कलर भी मिल जाता है उसके अंदर, और यहाँ पर ये जितने भी कलर दिखाए गए हैं ये सब उसके अंदर जो LED द्वारा बन जाते हैं। तो हम ये तीनों LED कनेक्ट करके यही देखेंगे। तो इसके कनेक्शन देखिए कुछ इस तरीके से हैं। देखिए जो वाइट वाला वायर है वो हमारा पॉजिटिव वायर है, और फिर हमारा जो ग्राउंडिंग है वो हमारी ग्रीन रेड ब्लू। तो मैंने इस तरीके से देखिए यहाँ पर एक कनेक्टर बना लिया है सेम यही कलर कोड का। तो ये देखिए ये कनेक्टर हो गया हमारा, और सेम इसी तरीके से देखिए यही कलर मैंने यहाँ सामने कर दिया है। अब देखिए जो वाइट वाला वायर है ये हमारा पॉजिटिव है, तो मैं सारे LED के जो पॉजिटिव पे इसको कनेक्ट कर दूंगा। तो ये देखिए ये सारे LED के, और थोड़ा का मैं जूम आउट कर देता हूँ जो आपको थोड़ा और क्लियर दिखाई दे। तो यहाँ पर देखिए ये सारे LED को जो है हम पॉजिटिव एक जगह कनेक्ट कर देंगे, पॉजिटिव इसका जो वाइट वाला होता है। और फिर हम देखेंगे इसके अंदर रिमोट कंट्रोल से कि इसके अंदर जो कलर है वो सारे कलर इसके अंदर बनते हैं या नहीं बनते। अब देखिए वाइट वाला वायर तो हमने LED के पॉजिटिव से जोड़ दिया है। अब हम क्या करेंगे, देखिए ये रेड वाली LED का वायर है, तो वो ग्रीन वाली का, तो हम ग्रीन पे जोड़ देंगे। ये ग्रीन वाली LED पे जोड़ दिया, ये रेड वाली LED का वायर है तो इसको हम रेड पे जोड़ देंगे, ये हमने इसको रेड पे लगा दिया, ये हमारा हो गया रेड पे। अब देखिए ब्लू वाली LED का वायर है, ये हम ब्लू पे लगा देते हैं। तो इस तरीके से देखिए हमारे कनेक्शन जो हैं वो पूरे हो गए। तो कनेक्शन पे आप जो है टेपिंग वगैरह कर दें। तो ये देखिए इस तरीके से ये कनेक्शन हमारे पूरे हो गए, और यहाँ पर देखिए रिमोट कंट्रोलर को यहाँ कर देते हैं, और LED को थोड़ा नीचे की साइड कर देता हूँ मैं, सारी एक साइड में कर दूँगा। फिर इनके कलर देखते हैं हम कि किस तरीके से इनके जो कलर हैं वो निकल के आते हैं। तो अभी तो पहले स्टार्टिंग में तो हम इसको ऐसे ही चला के देखते हैं। और ये देखिए ये हो गया हमारा कनेक्ट, और ये हो गया हमारा कंट्रोलर, और ये हो गया हमारा। तो यहाँ पर देखिए मैंने सारी LED पर जो है टेपिंग कर दिया है, यहाँ पर मैं 12 वोल्ट देता हूँ। तो अब इसके अंदर हम ये देखते हैं कि कलर जो हैं वो किस तरीके से निकल के आते हैं। तो मैं इनको इस तरीके से पकड़ लेता हूँ जिससे कि जो है हमें सारे कलर मैचिंग के दिखाई दें इसके अंदर। तो यहाँ पर देखिए जो कलर है वहाँ पर येल्लो की तरह ही जल रहा है, और मैंने जो है येल्लो ही बटन को प्रेस करा था। अब यहाँ पर देखिए गुलाबी सा बटन है, इसको प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर देखिए वो गुलाबी कलर ही आ रहा है, जबकि हमने इसमें LED 3 ही लगाई है। तो ये देखिए, ये देखिए वहाँ गुलाबी कलर ही आपको दिखाई दे रहा है, जबकि LED हमने यहाँ पर रेड ग्रीन ब्लू ही लगाई है। तो दोस्तों ये कंट्रोलर जो बिल्कुल वैसे ही काम कर रहा है जिस तरीके से रिमोट में दिखाया गया है, और जबकि हमने 12 वोल्ट की LED एक एक ही लगा रखी है। तो देखिए यहाँ पर गुलाबी कलर ही आ रहा है। अब हम मैं ये वाला बटन को प्रेस करता हूँ, ये देखिए हल्का नीला सा है ये, तो ये देखिए उसी तरीके से जल रहा है। और यहाँ पर डायरेक्ट मतलब जो नीला होता है वो है, तो यहाँ पर देखिए वही कलर दिखाई दे रहा है। अब मैं ब्लू दबा देता हूँ तो यहाँ ब्लू आ गया, ये ग्रीन आ गया, ये रेड आ गया। अब यहाँ पर फिर पीला कलर में एक बार दबा के देखता हूँ, ये हमारा पीला कलर हो गया, ये हमारा हल्का थोड़ा ग्रीन में हो गया, ये थोड़ा और ज़्यादा ग्रीन हो गया, ये थोड़ा और ज़्यादा ग्रीन हो गया, ये थोड़ा, यानी कि ये ग्रीन वाली लाइन को हल्का करने के लिए ब्लू वाली, और ये रेड वाली, रेड वाली मतलब धीरे धीरे जैसे ये दबाया फिर ये फिर ये, तो धीरे धीरे जो है येल्लो लाइन पे आ जाएगी। फिर हमने जैसे ग्रीन वाला दबाया तो धीरे धीरे ग्रीन को अगर हल्का करना हो तो उस तरीके से, फिर ये ब्लू है, ब्लू को धीरे धीरे अगर अलग अलग कलर में लेके जाना हो तो ये उस तरीके से। तो दोस्तों रिमोट भी एकदम काम कर रहा है, और LED जबकि देखिए
और ये वाला जो बटन है ये देख लेते हैं किस तरीके से है ये। तो मैं पहले इसको बंद कर देता हूँ, ये बंद हो गया, और इसको अब ऑन करता हूँ। और ऑन करने के बाद इसको दिखा देखते हैं किस लिए है। तो ये हमारा जो है ब्राइटनेस ज़्यादा और कम करने के लिए है। तो रिमोट दोस्तों हमारा पूरा, और देखिए ये फ्लैशर जो दे रखा है, फ्लैशर भी देख लेते हैं। तो ये फ्लैशर में इस तरीके से काम करेगा, ये देखिए ये एलईडी, तो फ्लैशर में इस तरीके से काम कर रहा है। और फिर ये नीचे वाला है, इसको देखते हैं, ये थोड़ा स्लो में चलेगा हमारा। और ये इस तरीके से है, फिर ये इस तरीके से। तो दोस्तों जबकि हमने रेड, ब्लू और ग्रीन ही एलईडी लगाई है, लेकिन कंट्रोलर हमारा एकदम बढ़िया काम कर रहा है। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल के आइकन को ज़रूर दबाना, क्योंकि आगे भी आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाता रहूँगा।